एम्स और टीसीएस के दृढ़ संकल्प ने आज भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक नया दौर प्रारंभ किया है। भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों और टीसीएस की इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के बल पर आज बदलाव की ऐसी लहर चल उठी है जिससे सारा देश एक परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। एक ऐसा प्रयास जिसे सपने से हकीकत में लाना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। पर मानवीय प्रयास और सक्षमता का उदाहरण बन चुके इस नए एम्स ओबीडी प्रोसेस ने ये प्रमाणित किया है कि कोई भी चुनौती अजेय नहीं होती। टीसीएस ने ओपीडी की अपॉइंटमेंट लेने से लेकर डॉक्टर से मिलने तक की पूरी प्रक्रिया को सुगम सुविधापूर्ण बनाया है। अब लंबी कतारों की जगह है, लोग आसानी से घर बैठे अपना अपॉइंटमेंट बुक करा पाते हैं। अस्पताल में आकर भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आसान इंतजाम किए गए हैं। अव्यवस्था और भीड़ को रोकने के लिए नए समाधान जैसे सिंगल विंडो एग्जिट काउंटर विकसित करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी का भी अनूठा उपयोग हुआ है। बदलते हुए वक्त की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोसेस के साथ साथ बुनियादी ढांचे भी विकसित किए गए हैं। पहले जहां महीनों के इंतजार के बाद भी डॉक्टर से मिलना मुश्किल होता था, वहीं अब अपॉइंटमेंट बुकिंग सेंटर के कारण मरीज इलाज की निश्चितता का अनुभव कर पाते हैं। अपॉइंटमेंट की पूरी जानकारी देने से लेकर बैठने तक के पर्याप्त इंतजाम ये सुनिश्चित करते हैं कि मरीज को कोई भी परेशानी ना हो। सूचना तथा जानकारी मरीजों को स्पष्ट उपलब्ध हो, इसके लिए दिशा सूचक तथा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का बखूबी इस्तेमाल हुआ है। इन सब सुविधाओं के साथ पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर और पैरामेडिक्स की सेवा भाव एम्स आए हर मरीज को एक भरोसा दिलाती है कि देश के सबसे बड़े अस्पताल में वो अकेला नहीं है। यहाँ मैं 8 बजे आया था सर और मैं फ्री हो गया 2 घंटे में। मैं पता चला यहाँ मेरा पूरा दिन लग जाता था, मैं 1 बज जाता था मुझे लगभग। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज। सबसे बड़ा अंतर ये आया है कि अगर हम लोगों को थोड़ा समय भी लग रहा है तो हम लोग आराम से यहाँ बैठ के रिलैक्स मोड में अपना वर्क करवा सकते हैं। बहुत फर्क, इतनी व्यवस्था नहीं थी। और गाइड करने के लिए यहाँ पे एक येलो लाइन बनाई गई है, वो चीज़ मैंने आते ही नोटिस किया कि हाँ मतलब बार बार रास्ता भटके ना पेशेंट। जैसे ही हम वहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए डेट लिया और वो सीधा येलो लाइन के साथ ही चलना और हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आपकी इस व्यवस्था से मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। व्यथित चेहरों पर आए राहत के ये भाव हमें प्रेरित करते हैं कि उम्मीद की किरणों से दुखों के अंधेरे को मिटाने के लिए शुरू हुआ ये प्रयास जारी रहेगा।